सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जिससे आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना कर पाएं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ETH पर। दोस्तों, आज ये सर्किट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक 1.5 वोल्ट बैटरी से सेल से आप ये 6 LED जो है जला सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस देते हैं और बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, कुछ ज़्यादा मुश्किल भी ये नहीं है। तो पहले मैं एक बार आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। तो सबसे इसकी जो ज़रूरी बात है कि इसको जो सप्लाई आप देनी है 0.8 वोल्ट से, बिल्कुल डेड सेल भी अगर कोई होगा तो भी ये उस पर सही वर्क करेगा। 0.8 से 1.5 वोल्ट तक आप इसको सप्लाई दे सकते हैं, जिससे कोई भी आपका जो पार्ट है, कोई भी पार्ट जो है, हीट नहीं होगा। तो चलिए मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ब्राइटनेस इसकी है, देखा नहीं जा सकता, मतलब इतनी तेज़ ब्राइटनेस इसकी सेल से आती है। तो इसके लिए आप कोई भी जो सेल है, डबल ए या ट्रिपल ए, कोई भी जो है सेल है यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो रिचार्जेबल सेल यूज़ करके इसको रिचार्जेबल भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे बनाना है। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको एक ट्रांजिस्टर चाहिए, 2N2222। ये इसका पिन आउट है, ये कलेक्टर है, ये इसका बेस है और ये इसका एमीटर है। एक 47 ओम का जो है रजिस्टर आपको चाहिए 1/4 वाट, और एक डायोड IN4007, और एक ये इंडक्टर कॉयल जो आपको बनानी है। ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे बनाना है आपने। तो दोस्तों, इसके एक साइड में 6 टर्न है, एक साइड में इसके 5 टर्न है। तो जिस तरफ 6 टर्न है उस तरफ ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है उसको मैं शोल्डर करूँगा। तो ट्रांजिस्टर कलेक्टर को मैंने जिस साइड में 6 टर्न थी उधर शोल्डर कर दिया है, और जिस तरफ 5 टर्न है वहाँ पे एक 47 ओम का रजिस्टर लगाने के बाद उसको ट्रांजिस्टर के बेस के साथ शोल्डर कर देना है। उसके बाद जिस जगह पे हमने कलेक्टर और कॉयल को मिलाया था वहाँ पे डायोड की पॉजिटिव साइड उसको हमने शोल्डर करना है। तो दोस्तों, सर्किट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमने सप्लाई देनी है। एक सेल के लिए जैक जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। पॉजिटिव सप्लाई आपने जो इसका मिडल पॉइंट है, कॉयल का जो सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे हमने पॉजिटिव सप्लाई देनी है। और जो नेगेटिव सप्लाई है वो डायरेक्टली हमने जो ट्रांजिस्टर है उसके एमीटर को देनी है। ये ट्रांजिस्टर का जो है एमीटर है। तो सर्किट अभी आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। ये 1.5 वोल्ट का जो सेल है, आपको इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ जो है जो मैं शो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट। तार थोड़ी ज़्यादा लंबी है। तो अभी आउटपुट इसकी क्या है, ये जो डायोड हमने दिया था, डायोड का जो साइड अभी खाली है, नेगेटिव साइड जो है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे और नेगेटिव हमने वही एमीटर के ऊपर ही चेक करने हैं। तो ये नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि 19-20 वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्टेज है, क्योंकि मैंने 20 पे सेट किया हुआ था इसलिए ऊपर जा रहा है। इसलिए मैं इसको एक बार 200 पे सेट कर देता हूँ, फिर से आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। आउटपुट वोल्टेज 19.6 वोल्टेज जो है इसकी आउटपुट आ रही है। तो इसके ऊपर मैं अभी LED भी लगा के आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने जो 1 वाट की LED हैं, 6 LED, क्योंकि ये लगभग 3 वोल्ट के आसपास LED है, 18 वोल्ट का जो है मैंने एक सीरीज़ बना ली है। तो पॉजिटिव जो है डायरेक्टली, इसका जो पॉजिटिव साइड है वो डायरेक्टली मैं डायोड के साथ शोल्डर कर दूंगा।
ये आउटपुट जो है इसकी, डायरेक्टली मैंने डायोड के साथ जो है शोल्डर कर दी है, और ये इसकी नेगेटिव नेगेटिव जो मीटर है जो कॉमन है, नेगेटिव जो है कॉमन ही रहेगी, इस मीटर के साथ मैं इसको शोल्डर करूँगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी जो है ब्राइटनेस है, और कोई भी आपका कंपोनेंट जो है हीट नहीं होगा। तो एक 1.5 वोल्ट के सेल से हम 6 वाट के एलईडी आराम से चला सकते हैं। और दोस्तों आप इसके साथ कोई भी एलईडी चला सकते हैं, अगर आपको उन एलईडी को चलाने के बारे में समझ में ना आए तो कमेंट में भी मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस इंडक्टर को आपने कैसे बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले ये इंडक्टर बनाने के लिए आपको एक ट्रॉयड चाहिए, जो किसी भी ओल्ड CFL का जो सर्किट होगा आप उसमें से निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने एक 20 AWG का वायर लिया है, दो टुकड़े, ये पहले से क्योंकि मैं कॉइल बना चुका था तो ऑलरेडी कटे हुए हैं, लेकिन आप जो टर्न देने के बाद उसको बाद में भी कट कर सकते हैं। बस ये ख्याल करें कि जब भी आप टर्न दें एक ही साइड में दोनों कॉइल का जो है टर्न होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपने जो है टर्न लगा लेने हैं, फर्स्ट जो है आप 5 टर्न लगाने हैं, और ये आप सभी जो वायर है आपकी आप अलग अलग वायर के साथ अलग अलग टर्न लगा के एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके 20 नंबर आपके पास नहीं मिलता, 24, 18 या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इस टर्न को कम ज़्यादा करके भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सर्किट के साथ। तो ये 4 टर्न हो चुके हैं, काफ़ी हार्ड है ये वायर जो है, 20 नंबर की जो वायर है। तो एक तरह से ये 5 जो है टर्न मैं लगा चुका हूँ। अब जो दूसरी वायर के मैंने टर्न लेने हैं वो भी सेम डायरेक्शन में ही रहेंगे, ये इसका मिडल पॉइंट हो जाएगा इस तरह से छोड़ के, और आगे से फिर से हमने ऐसे ही टर्न लगाने शुरू कर देने हैं। तो दोस्तों देखो ये कॉइल जो है रेडी है, एक तरफ 5 टर्न एंड एक तरफ 6 टर्न, जो सेंटर पॉइंट है दोनों का इसको हम आपस में शोल्डर कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो ट्रॉयड है जो इंडक्टर है वो आपका रेडी हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले आपको बोला है आप अलग अलग तरह की ट्रॉयड के साथ अलग अलग तरह की वायर जो है लगाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किससे वोल्टेज इंक्रीज होता है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, जितनी वायर जो है मोटी होगी या कम नंबर की होगी उतना ही जो है जो करंट है जो एम्पीयर है वो ज़्यादा होते हैं। जितनी वायर हम ब्रीक रखेंगे पतली रखेंगे उतना ही जो करंट है जो एम्पीयर है वो कम बनते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और आगे से आगे शेयर ज़रूर करें, जिससे जो मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो भी बढ़ सकें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और जिस तरह की वीडियो आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट में मुझे बताया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।